हिरणी को शेष पुत्रियों के विवाह का आश्वासन देकर अन्य लोक में चले गए और कामदेव रति एवं वसंत के साथ शिवलोक में शिव सती के मन में कामेच्छा जागृत करने के लिए उपस्थित हुए। उधर पृथ्वी पर विहार करते हुए शिव सती देखते हैं कि इंद्र स्वामी पृथ्वी भ्रमण का आनंद ही अनूठा है। ये कथन अरे महर्षि दुर्वासा प्रणाम ऋषिवर। मंगल हो देवराज इंद्र। देवी शची मैं तुम्हें एक भेंट देने का इच्छुक हूँ, स्वीकार करोगे? ऋषिवर आपकी दी हुई भेंट हम कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। आज्ञा दे। ये लीजिए देवी। स्वामी हम देव देवियां जो नंदन वन के पुष्प धारण करने के आती हैं, ऐसी साधारण मालाएं हम पर कदापि शोभा नहीं देंगी। आपको ऋषि दुर्वासा की दी ये भेंट स्वीकार करनी ही नहीं थी। आप ठीक कहती हैं देवी। चलो कैलाश लौट चले। शची देव राजेंद्र प्रेम से भेजी हुई मेरी माला का तुमने घोर अपमान किया है, अब तुम्हें इसका परिणाम सहन करना ही होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अपनी स्वर्ग संपदा से वंचित होकर तुम और तुम्हारे साथी देवताओं का उस प्रकार स्वर्ग से पतन हो जाएगा जिस प्रकार मेरे द्वारा की हुई माला को तुमने पतित किया है। शीघ्र ही हमारा स्वर्ग जाना आवश्यक है। अहंकार वश ही सही पर दुर्वासा द्वारा भेंट माला को फेंक कर इंद्र और इंद्राणी ने जो अपराध किया उसके परिणाम स्वरूप दोनों के आनंदपूर्ण भविष्य में अंधकार की कालिमा प्रवेश कर गई और स्वर्ग का संपूर्ण वातावरण हर्षोल्लास से वंचित हो गया। प्रणाम देवेंद्र। प्रणाम देवेंद्र। प्रणाम देवेंद्र। प्रणाम इंद्रदेव। देवराज इंद्र आपकी इस सुशोभित सभा में आज हम एक ऐसा दृश्य देख रहे हैं जो इससे पहले हमने कदापि नहीं देखा। उल्लास और विलास के स्थान पर आज आपके मुख पर विषाद की रेखाएं क्यों प्रतीत हो रही हैं? वो इंद्रलोक जिसकी प्रत्येक दिशा में आनंद स्वयं आनंदित होकर हर पल विराजमान रहता था प्रतीत होता है वो कहीं लुप्त हो गया है। देवेंद्र आपके साम्राज्य का कण कण क्षण प्रतिक्षण अनुपम सौंदर्यवती अप्सरा के रूप में गुणगान किया करता था, जहां गीत संगीत नृत्य की स्वर लहरियां सदैव गुंजायमान हुआ करती थी, वहीं आज अशुभ रुदन स्वर जैसे चारों ओर ध्वनित हो रहा है। और देवी इंद्राणी भी भविष्य में घटने वाली किसी घटना की शंका से ग्रस्त दिखाई दे रही है। देवेंद्र इन समस्त स्थितियों का क्या कारण है? देव आपका ये मौन किसी अनिष्ट का संकेत दे रहा है। यदि आपने मौन व्रत धारण किया है तो हम सबके आग्रह से अपना ये व्रत त्याग दीजिए और हमें बताइए इंद्रलोक में जो विपरीत परिस्थिति बनाई है इसके मूल में क्या कारण है। आदरणीय मेघदेव वरुण देव वायुदेव अग्निदेव एवं देव गुरु बृहस्पति जी आप सभी ने हम दोनों की मनोस्थिति को जानकर जो भी कुछ कहा है वो शब्दशः सत्य। अर्थात मैं और इंद्राणी इस समय अत्यधिक व्यथित चिंतित एवं कुंठित हूं। कारण
कारण यह है कि अब स्वर्ग पर हमारा अधिकार नहीं रहेगा। ये आप कैसे अशुभ वचन बोल रहे हैं देवेंद्र? देवगुरु, मैंने जो कुछ भी कहा है उसमें लेश मात्र भी असत्य नहीं है। महर्षि दुर्वासा के श्राप से यह दुर्घटना किसी भी क्षण घटित हो सकती है। महर्षि दुर्वासा के श्राप से? हाँ, हम इंद्राणी के कहने में आकर भूलवश दुर्वासा ऋषि द्वारा भेंट की हुई माला का अनादर कर बैठे और उसी से कुपित होकर उन्होंने हमें यह श्राप दिया है कि दानवों का बल देवताओं की अपेक्षा दोगुना हो जाएगा और हम अपने समस्त देवगणों के साथ इस स्वर्गलोक से सदा सर्वदा के लिए वंचित हो जाएंगे। देव, आपने ये कैसा अनर्थ कर डाला? महर्षि दुर्वासा का श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वो अपना प्रभाव अवश्य लाएगा। उनके श्राप से मुक्ति निवारण का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। अब स्वर्गलोक अवश्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा देवराज इंद्र। हम सभी को इस स्वर्ग संपदा से सदैव के लिए वंचित होना पड़ेगा। का पतन हो जाएगा। ऋषि के श्राप के फल स्वरूप स्वर्ग पर असुरों के अधिकार के पश्चात इंद्रादि को स्वर्ग त्यागना पड़ा। कैलाश पर इंद्र के इस अधोपतन से व्यथित सती शिव से इंद्र व स्वर्ग की रक्षा के लिए आग्रह करती है। इस भीषण समस्या का कोई तो समाधान होगा स्वामी। मुझे आश्चर्य हो रहा है, आप सबको जानते हुए भी मौन रहे। आपने दुर्वासा ऋषि को रोकने का प्रयत्न भी नहीं किया। देवी, हर किसी को अपने किए हुए कर्मों का परिणाम किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। विधाता के विधान में हस्तक्षेप करना ब्रह्मा विष्णु और महेश के लिए भी असंभव है। आप तो करुणा निधि हैं, भक्तों के उद्धारक हैं। देवताओं की भी आप पर अपार श्रद्धा और भक्ति है। उन्हें संकट से उबारना आपका परम कर्तव्य है। जब हमारे उन भक्तों को हमारे पास आने की प्रेरणा मिलेगी तब हम अपना ये कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। परंतु समय से पहले देवताओं को स्वर्ग सुख का अधिकार नहीं मिल सकता। असुराधिराज स्वर्गाधिपति महाराज बलि की जय। असुराधिराज स्वर्गाधिपति महाराज बलि की जय। महाराज बलि की जय। महाराज बलि की जय। आज हम अति प्रसन्न हुए। देवता यहाँ से पलायन कर गए। उनकी पराजय विजय श्री का रूप धारण करके हमारे चरणों में नतमस्तक है। अब यह सिंहासन हमारा है। अब स्वर्ग लोक पर असुरों का राज है। सेनापति राहु स्वर्गाधिपति दानवराज महाराज बलि को राहु का वंदन स्वीकार हो। सेनापति राहु, तीनों लोकों में यह घोषणा करवा दो कि अब स्वर्ग लोक पर देवताओं का नहीं हम दानवों का अधिकार है। इंद्र और समस्त देवता भीरू कहीं के भाग गए। बहुत वीर समझते थे परंतु बलि के बाहुबल के समक्ष निर्बल होकर रह गए।
हमने असंभव को संभव कर दिखाया है। देवराज इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन से उखाड़ कर फेंक दिया है। उनके राज्य वैभव और शासन पर हमारा अधिकार सदैव बना रहेगा। अब देवता यहाँ कदापि प्रवेश नहीं कर पाएंगे, कदापि प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब स्वर्ग लोक पर हमारा अधिकार है। असंभव, स्वर्ग से हमें अपदस्थ करना असंभव है। स्वर्ग हमारा है, इस स्वर्ग पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। असुरों की प्रकृति निरंकुश है, उन्हें नियमों में बांधना कठिन है, वो बलशाली भी है। उनकी असुरी शक्तियों से जीतना हम देवताओं के लिए असंभव है। ऐसी बातें करके आप हमारे मनोबल को ना गिराइए वरुण देव। हम ब्रह्मदेव की शरण में इसीलिए आए हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करे और इस संकटकालीन स्थिति से हमें उबारे। पता नहीं देवऋषि महाराज इस समय कहां होंगे। अपनी वाक्पटता से किसी को प्रभावित करने की कला जो उनके पास है वो हम में से किसी के पास भी नहीं है। नारायण नारायण। धन्यवाद स्वर्गाधिपति इंद्र, धन्यवाद। किसी भी संदर्भ में आज आपने इस हरिभक्त नारद की प्रशंसा तो की। आइए परमपिता ब्रह्मा के समक्ष अपनी समस्या रखें। आइए नारायण 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 नारायण। परमपिता ब्रह्मा, आज देवराज इंद्र और समस्त देवगण आपके समक्ष एक गंभीर समस्या लेकर उपस्थित हुए हैं। हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, हम पर घोर अत्याचार हुआ है। आपको ये जानकर अत्यंत दुख होगा कि हम पर अत्याचार करने वाला आप ही से उत्पन्न ऋषि अत्रि का पुत्र है। हम दुर्वासा के क्रोध से भलीभांति परिचित, किंतु ब्रह्मदेव, सर्वप्रथम तो एक ऋषि को अपने क्रोध पर ही विजय पानी चाहिए। दूसरी बात ये कि क्रोध करने का कोई कारण भी तो होना चाहिए, किंतु दुर्वासा ने तो हम पर अकारण ही क्रोध किया है और हमें श्राप देकर असुरों के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त किया है। देवराज, क्या दुर्वासा के उग्र स्वभाव से आप परिचित नहीं? क्षण मात्र में क्रोध की ज्वाला उनके मन में प्रकट हो जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए था। दुर्वासा का श्राप तो एक निमित्त मात्र है। देवराज, स्वर्ग से आप लोगों के निष्कासन का कारण आपके अपने कर्म। हमारे कर्म पालन में कौन सी त्रुटि रह गई? हमारे कर्तव्यों में कहां खोट आ गया? देवराज, सबसे बड़ा खोट तो यही है, आप लोगों ने अपने अधिकारों के उपयोग पर तो पूरा ध्यान दिया, किंतु अपने कर्तव्यों की उपेक्षा ही कर दी। देवी सरस्वती, आपका क्या विचार है? आप सत्य कह रहे हैं ब्रह्मदेव। मोह, विलास, आनंद क्रीड़ाओं में रमे देवगण ये भी भूल गए कि इंद्रासन को अपनी जगह पर टिकाए रखने के लिए देवताओं को धर्म, कर्म, पुण्य और जन कल्याण का भी पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ये माना कि हमसे कुछ त्रुटियां हुई हैं, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि देवताओं से उनका स्वर्ग लोक छीन लिया जाए, असुरों को असुर लोक बनाने की छूट दे दी जाए। शांत देवा शांत, जो घटित हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब इस विषय में और अधिक विचार विमर्श करने के लिए आप लोगों को भगवान विष्णु के पास जाना, वो देवताओं के परम हितैषी एवं शुभ चिंतक। यदि नारायण के सम्मुख आप ही हमारा प्रतिनिधित्व करें तो अति उत्तम होगा। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्या से अवगत हैं। देवराज, आपको मार्गदर्शन मिल गया, किंतु उस पर चलना आप ही करें। हमें विश्वास है चतुर्भुज हरि विष्णु आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढेगा। जय रघु। जगत के पालनहार इन
दुखी देवताओं का उद्धार कीजिए। हे तारनहार, आज तो अनर्थी हो गया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के प्रभाव से देवताओं का स्वर्ग से निष्कासन और असुरों का शासन हो गया है, यही कहना है ना आपको? किंतु आपको, हम आपकी व्यथा से परिचित हैं। दुर्वासा का शाप एक ऐसी घटना चक्र का प्रवर्तन कर चुका है जिसे रोकना किसी के भी वश में नहीं। किंतु ब्रह्मा जी ने तो मार्गदर्शन दिया था कि पालनहार परमात्मा श्री हरि विष्णु ही देवताओं की सहायता कर सकते हैं। हे श्री हरि, आपने समय समय पर हर मन्वंतर में देवताओं को संकट से बचाकर उनका उद्धार किया। हम तो बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं प्रभु। देवगुरु बृहस्पति जी, यह सत्य है कि हम देवताओं के शुभचिंतक हैं, किंतु प्रभु आप त्रिदेवों में सृष्टि के पालनहार हैं। आप ये भली भांति जानते हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार रहा है। असुरों ने तो अन्याय पूर्वक स्वर्ग में अनाधिकार प्रवेश किया है। उन्हें वहां से हटाकर देवताओं को न्याय दिलाना आप ही के वश में है। श्री हरि, आप ही के वश में है। नहीं नहीं, यदि इस समस्या का कोई समाधान है तो वो देवाधिदेव शिव शंकर के ही पास हो सकता है। आप अपनी समस्या उन्हीं के समक्ष रखिए। धन्य है प्रभुओं की लीला। अब आपकी समस्या के समाधान के लिए देवगणों, आपको कैलाश की ओर प्रस्थान करना होगा। पधारिए। नारायण नारायण। और देवगणों के साथ जो अन्याय हुआ है उसका मुझे अत्यधिक दुख है। इस विषय में मेरे स्वामी से भी चर्चा हुई थी। देवाधिदेव महादेव ने क्या कहा देवी से? कहा तो कुछ नहीं, किंतु उनकी बातों से लगा आपके उद्धार हेतु उनके पास कोई न कोई उपाय अवश्य है। त्रिभुवनपति महादेव शिव शंकर की जय। हर 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 महादेव। चराचरपति महादेव, इन देवताओं पर वज्रपात सा हुआ है। अपने ही निवास से निष्कासित दिन ही भटकते हुए श्री हरि के आदेश अनुसार आपके पास बड़ी आशा लेकर आए हैं। प्रिय नारद, जो भी घट रहा है नया नहीं, अच्छाई और बुराई का संघर्ष तो सदा ही चलता रहा है। कभी अच्छाई का पलड़ा भारी तो कभी बुराई का। किंतु सदाशिव, हमने किसी का क्या बुरा किया था कि क्रोध में ऋषि दुर्वासा ने इतना बड़ा श्राप दे दिया? हम देवों के साथ इतना बड़ा अन्याय? जो अन्याय आपके साथ हुआ है वो कभी असुरों के साथ भी हुआ था, अतः अब जो न्याय होगा वो सुरों असुरों के समान अधिकारों को ध्यान में रखकर ही होगा। आपको मेरी इस बात से आघात अवश्य लगा होगा, किंतु ये सत्य है कि इस समस्या का समाधान सुरों असुरों को मिलकर ही निकालना होगा, और वो समाधान है समुद्र मंथन। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, समुद्र मंथन के बाद कई ऐसी घटनाओं का जन्म होगा जो देवताओं के हित में होंगी। समुद्र से निकलने वाले रत्नों का विभाजन सुरों असुरों की योग्यता के अनुसार ही होगा। क्यों देवराज, आपको कोई संशय है? नहीं देवाधिदेव, किंतु असुरों का सेनापति राहुल हठी स्वभाव का है। समुद्र मंथन का यह प्रस्ताव उसे स्वीकार होगा या नहीं, मुझे इसमें संशय है प्रभु। राहु को सहमत करने का दायित्व हम देवऋषि नारद को सौंपते हैं।
क्यों ना रहे? मैं अवश्य प्रयास करूंगा महादेव कि असुर सेनापति राहु समुद्र मंथन के प्रस्ताव को मान ले।